हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस असाइनमेंट रूल्स इन सेल्सफोर्स। सो केस असाइनमेंट रूल्स क्या करते हैं, जैसे कि इससे नाम से ही पता चलता है केस असाइनमेंट। तो जैसे ही कोई भी केस क्रिएट होता है सेल्सफोर्स में, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक ओनर असाइन करते हैं कि किस यूज़र के पास वो केस जाएगा और कौन सा यूज़र उसको मॉनिटर करेगा। तो जो केस असाइनमेंट रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई केस क्रिएट होता है वो किसी यूज़र को या फिर एक क्यू को केस को असाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर एक यूज़र को असाइन होगा केस तो एक सिर्फ वो ही यूज़र उसको जो है वो मॉनिटर करेगा, लेकिन अगर कोई केस अगर किसी क्यू को असाइन होता है तो उस क्यू के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो सभी उस केस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो क्यू बेसिकली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूज़र्स होती है क्यू। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम केस असाइनमेंट रूल्स को यूज़ करते हैं केस को पर्टिकुलर यूज़र को या फिर क्यू को असाइन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे सेटअप में, और सेटअप में जाके हम केस असाइनमेंट रूल्स को सर्च करेंगे। यहाँ पे क्विक फाइंड में हम जाएंगे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा केस असाइनमेंट रूल्स। यहाँ पे केस असाइनमेंट रूल्स हमारे पास हैं सेल्सफोर्स में। हमारे पास लीड असाइनमेंट रूल्स भी होते हैं, तो लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ केस असाइनमेंट रूल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी जो है एग्जिस्टिंग केस असाइनमेंट रूल नहीं है, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा केस असाइनमेंट रूल बनाने के लिए, और यहाँ पे रूल का मैं नेम यहाँ पे रखूँगा। लेट सपोज यहाँ पे इसका नेम रख देते हैं टेस्ट असाइनमेंट। ठीक है, टेस्ट असाइनमेंट, और इसको यहाँ से एक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव किया, रूल हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे रूल एंट्रीज यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। रूल एंट्री का मतलब कि हम क्राइटेरिया यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे कि अगर ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन जो हैं ये अगर सेटिस्फाई होंगी तभी ये केस असाइनमेंट रूल जो है वो ट्रिगर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे हम मल्टीपल्स जो हैं वो क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर बाय ऑर्डर हमारे जो क्राइटेरियाज हैं वो एग्जीक्यूट होंगे अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो इसलिए उसका जो ऑर्डर है वो मैं 1 रख रहा हूँ। और फील्ड, यहाँ पे हम फील्ड सिलेक्ट करते हैं केस की कि कौन सी फील्ड के ऊपर हम कंडीशंस लगाना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं केस प्रायोरिटी को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, केस प्रायोरिटी इक्वल्स टू यहाँ से हम वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर हमारे जो केस की प्रायोरिटी है वो अगर हाई होगी मैं तभी इस केस असाइनमेंट रूल को ट्रिगर करवाना चाहता हूँ। इसमें मैं और कोई भी कंडीशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और कंडीशन भी ऐड करनी है तो आप यहाँ से फील्ड्स को सिलेक्ट करके कोई भी जो कंडीशन है वो आप सिलेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, यहाँ पे हम एक यूज़र को केस असाइन करना चाहते हैं या फिर क्यू को असाइन करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ से यूज़र सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से सिर्फ एक यूज़र को ही केस जो है वो असाइन होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से कोई क्यू सिलेक्ट करते हो तो उस क्यू के अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे उन सभी यूज़र्स को वो केस असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्यू भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम एक क्यू को असाइन करना चाहते हैं केस, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्यू जो है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे हम क्विक फाइंड में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्यूज। तो यहाँ पे मैं न्यू क्यू जो है वो क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इसका नेम मैं यहाँ पे रख दूँगा टेस्ट क्यू। टेस्ट क्यू, और यहाँ से मैं कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यू बनाना चाहता हूँ, मैं केस के ऊपर क्यू बनाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से मैं केस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्यू में कौन कौन से मेंबर्स मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरी ऑर्ग में ये सिर्फ तीन ही यूज़र्स हैं, तो मैं इन तीन यूज़र्स को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो हमारी क्यू के अंदर ये तीन यूज़र्स आ जाएंगे। तो जब भी कोई भी केस इस वाली क्यू को असाइन होगा तो वो केस इन तीन यूज़र्स को असाइन हो जाएगा।
यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा क्यू को। तो यहाँ पे ये देखो टेस्ट क्यू हमारी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, टेस्ट क्यू हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं क्यू को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं टेस्ट क्यू को सिलेक्ट कर लूँगा जो अभी हमने क्रिएट करी है, ठीक है। तो अगर आप किसी यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ईमेल टेम्पलेट क्या करता है कि जब भी ये केस क्यू को असाइन होगा तो उस क्यू के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक ईमेल रिसीव होगी। तो उस ईमेल में कौन सा टेम्पलेट यूज़ होगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कोई भी यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ ईमेल टेम्पलेट। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। तो लेट्स सपोज यहाँ पे सपोर्ट केस असाइनमेंट नोटिफिकेशन, चलो ये वाला जो है ईमेल टेम्पलेट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इसमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो रूल एंट्री एक यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। तो ये कब चलेगी, जब प्रायोरिटी इक्वल्स टू हाई होगी केस की। तो ये किसको असाइन हो जाएगा, टेस्ट क्यू को, और ईमेल भी हमारी जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। मैं यहाँ पे अपना जो यूज़र है उसकी ईमेल आईडी एक बारी चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने यूज़र है यहाँ पे ऐड किया टेस्ट क्यू में अपना, उसकी ईमेल आईडी क्या है, सचिन कुमार, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसके ईमेल आईडी कौन सी है, फिर मैं उसी ईमेल आईडी पे जाके चेक करूँगा कि मुझे ईमेल रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। तो इसकी आईडी है, ओके, ये वाली आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम केस क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। अब हमारा ये जो रूल है ये एक्टिव है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम केस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से केसेस सर्च करूँगा, यहाँ से मैंने केसेस सर्च किया और यहाँ पे मैं न्यू केस क्रिएट करूँगा। तो अभी के लिए आप देख रहे हो कि जैसे अभी हमारा जो केस ओनर है वो मेरा नेम आ रहा है सचिन कुमार, ठीक है, यहाँ पे क्यू नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं स्टेटस इसका न्यू रखूँगा, प्रायोरिटी मैं इसकी हाई कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि यही हमने यहाँ पे कंडीशन मेंशन करी है प्रायोरिटी इक्वल्स टू हाई। तो ये केस असाइनमेंट रूल तभी ट्रिगर होगा जब किसी केस की जो प्रायोरिटी है वो अगर हाई होगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल, ये वाला चेकबॉक्स जो है वो आपको टिक करना है, तभी ये केस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग केस असाइन होगा। अगर आप इसको टिक नहीं करोगे, इसको ट्रू नहीं करोगे, तो आपका जो असाइनमेंट रूल है वो ट्रिगर नहीं होगा। सेंड नोटिफिकेशन ईमेल टू कॉन्टैक्ट, इसको आप अनटिक भी कर सकते हो या फिर टिक भी कर सकते हो, इसका इतना वो ज़रूरी नहीं है ये। तो आप अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। अभी आप सेव करने से पहले चेक कर लो कि केस ओनर अभी मेरा नेम शो हो रहा है सचिन। अब जैसे ही मैं इस पे सेव पे, ओके, केस ओरिजिन नहीं सिलेक्ट किया मैंने, इसको फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेव पे, ओके ओके तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा। कॉन्टैक्ट हैज़ एन इनवैलिड और मिसिंग ईमेल एड्रेस, ओके। तो हम ऐसे करते हैं, इसको अनटिक कर देते हैं, ठीक है, इसको हम अनटिक कर देते हैं कि कॉन्टैक्ट्स को हमें ईमेल सेंड नहीं करनी। तो सेव पे क्लिक किया मैंने, तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव हो गया। और यहाँ पे देखो केस ओनर क्या आ गया, टेस्ट क्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो केस है वो क्यू को असाइन हो चुका है। अब हम जाएंगे अपनी, मैं जाऊँगा अपनी ईमेल आईडी में और चेक करूँगा कि मुझे कोई ईमेल आई है या नहीं आई। तो यहाँ से जीमेल में मैं जाऊँगा, यहाँ से अपना अकाउंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये है मेरा अकाउंट, तो यहाँ पे देखो केस नोटिफिकेशन की ईमेल यहाँ पे अभी अभी आई है मुझे, ठीक है, ताज़ी ईमेल आई है 7/13 पे। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो द फॉलोइंग केस हैज़ बीन ऑटो असाइंड
टू योर टीम द केस नीड्स टू बी रिजॉल्व विद इन आर स्टैंडर्ड सर्विस लेवल्स। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट था, ठीक है, और कोई भी डिटेल हमने यहाँ पे करी नहीं है। तो ये हमारा जो टेम्पलेट है ये कौन सा आया है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट आया है हमारा। इसको अगर मैं कॉपी करूँ टेम्पलेट को, इसको ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ ईमेल टेम्पलेट, क्लासिक में सर्च करके देख लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे देखो वही वाली चीज़ें हैं, कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, सब्जेक्ट है और डिस्क्रिप्शन है, कंपनी है, कॉन्टैक्ट, सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे द फॉलोइंग केस हैज बीन साइन टू, तो ये वाली भी लाइन वही है जो हमें टेम्पलेट में शो हो रही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे इसको ओके, यहाँ पे अच्छा इसमें ये दिखा नहीं रहा, बट यही वाली लाइन है जो अब ये देखो ऊपर वाली सेम लाइन है हमारी, ठीक है जी। द फॉलोइंग केस हैज बीन साइन टू यू, द फॉलोइंग केस हैज बीन साइन टू यू। तो ऐसे जो केस असाइनमेंट रूल्स हैं वो काम करते हैं सेल्स फोर्स में। तो आई होप आपको केस असाइनमेंट रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे केस असाइनमेंट रूल्स को हम यूज़ करते हैं विद इन सेल्स फोर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।